ज्ञापन दिया था, पूरे प्रदेश से इकट्ठा हर जिले से एक टाइम पे 11 बजे वहां पे ज्ञापन पहुंचे थे। अब दोबारा फिर हम लोग 14 तारीख को पूरे प्रदेश से मुख्यमंत्री के नाम हम लोग मांग पत्र देने जा रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से। यहाँ पे आपके बल्लापुर में भी नसीरुद्दीन साहब जाके यहाँ के जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, उसे मांग देंगे। उसके बाद हम लोग 26 तारीख को विधानसभा के सामने हम लोग धरना करेंगे। उस धरने पूरे प्रदेश का मोमिन अंसार समाज वहां पे आएगा, उनकी समस्याएं रखी जाएंगी, उनकी मांग करी जाएगी और ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। इसी के बाद क्योंकि हम लोग का अप्रैल में सम्मेलन भी होना है, हम लोग अप्रैल में सम्मेलन करेंगे बाल संग्रहालय चारबाग में 14 अप्रैल को, जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तान भर से मोमिन अंसार समाज के लोग आएंगे। वहां आके तय होगा कि आने वाले साल में हम लोग को क्या रणनीति बनाना है, हम लोग को तय करना होगा कि हम लोग किस तरीके से हिसाब बनाएंगे और आगे कैसे रणनीति बना कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो बिखराव था उस बिखराव को खत्म करना है। एक बहुत बड़ी बात होती है कि मोमिन अंसार सभा क्या राजनीतिक है, तो मैं बताना चाहता हूँ मोमिन अंसार सभा गैर राजनीतिक संगठन है। इसके अंदर मोमिन अंसार समाज के लोग अहदेदार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सदस्य हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हों, वो किसी भी पार्टी में रहे वहाँ समाज का काम का नाम बहुत रोशन करें, समाज के नाम रोशन करें, लेकिन हम लोग कहना है कि समाज के नाम पर सब मुस्तहिद रहें। अभी हमारे हम आपको मिसाल देना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश का मोमिन अंसार समाज किस तरह मुस्तहिद हो गया है। गोरखपुर में तीन मार्च को हमारा सम्मेलन है, मंडल सम्मेलन, वहाँ पे हमारे कुछ पदाधिकारी वहाँ के नगर अध्यक्ष भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, उसके बाद किसी पार्टी पर नहीं पार्टी में, लेकिन मैंने सुना कि मोमिन अंसार समाज का सम्मेलन 3 मार्च को मेरे गोरखपुर में है, तो उन्होंने कहा मैं पहले समाज का सम्मेलन अटेंड करूँगा, पार्टी का बाद में, वही जज्बा हमें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लाना होगा, मुस्तहद होना पड़ेगा। जो मुस्तहद के सारे पदाधिकारियों ने बात करी है, मैं कहना चाहता हूँ उस बात को आगे बढ़ाना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। दूसरी बात, पढ़ाई के लिए अपने समाज को आगे से आगे लेके चलना है, हमें अपना हक छोड़ना नहीं है, हमें मुस्तहद रहना है, उसी के साथ हमें सभी पसमानदा बिरादरियों के लिए काम करना है, उसी के साथ हमें सभी धर्मों से और सभी बिरादरियों से आपसी भाईचारा बना के भी चलना है। मोमिन अंसार समाज जब इतनी बड़ी ताकत में है तो हम पूरे इकट्ठा यूनाइट होकर हम पूरी कौम की खिदमत करेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान की अपने मुल्क की भी खिदमत करेंगे, ये सब काम अपना जज्बा लेके हम लोग करना है। और सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, आज भी मोमिन अंसार समाज के लोगों के साथ क्या होता है, गांव में प्रदेश में के बहुत कोने कोने में हम जाते हैं, आज भी हमारे समाज के लोग नीचे बैठते हैं, आज भी उनको इजाजत नहीं है किसी अपर कास्ट के सामने जो मंच पर बैठ सके या उनके सामने तख्त पर बैठ सके, कुर्सी पर बैठ सके, ये बहुत दूर की बात नहीं, बोल आपके करीब के जिलों का भी ये हालात है। उन हालातों से अपने भाइयों को निकालना है, उसके लिए जो जहाँ पे है मुस्तैद होके एक मिशन के साथ, आप कुछ नहीं कर सकते, अपने जिलाध्यक्ष को अपनी ताकत दे दीजिए, अपने नगर अध्यक्ष को ताकत दे दीजिए, आपकी जो बातें वहाँ बैठ कर तय करने का काम करना चाहिए।